आज हम हमारी समझ के अकॉर्डिंग सबसे बोरिंग चैप्टर मैं मेरी समझ की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली हम ये ऐसा समझते हैं कि हिस्ट्री यार कितना बोरिंग है, कैसे कोई पढ़ सकता है, लेकिन बोरिंग वे है स्टडी करने का या सच में ये बोरिंग कंटेंट है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हिस्ट्री को कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ अपने ट्विस्टिंग मोमेंट में और समझ पाएंगे कि ये कितना इंटरेस्टिंग है अगर उसे हम एक स्टोरी बना के पढ़ें, है ना। तो 10th ICSE का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम कुछ पॉइंट को बहुत क्लियरली आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे समझिए, ये ऑटोबायोग्राफी है। लो, ये कैसे हो सकता है सर, ऑटोबायोग्राफी इज इट? हाँ बेटा, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी एक बहुत बड़े टाइम तक लिखा गया, मतलब 1857 से लेकर 1917 तक। सही सुना आपने, इतना बड़ा। हाँ, इंडियन ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिया की खुद अपनी आप बीती, अपनी ही कहानी की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस हुए, वॉर हुए, तो एक्चुअल में हमें वो पढ़ना है ना। इंटरेस्टिंग, तो ऑटोबायोग्राफी ही समझ के पढ़ना है और इसे एक बस स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है, दैट इज अबाउट वॉर, टोटल इंडियन नेशनल मूवमेंट। किसकी बात हो रही है? इंडियन नेशनल मूवमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये नेशनल मूवमेंट इस टाइम से लेकर इस टाइम तक चला। एक्चुअल में जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो आपकी बुक को कंपोज किया है, उन्होंने क्या किया, इन ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट्स हुए थे, उन्होंने इसे फ्रैक्शंस में आपको डिलीवर किया। क्या फ्रैक्शंस में? यूनिट तो बेटा ये फर्स्ट है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में उन्होंने चैप्टर वाइज में कर दिया, चैप्टर वाइज में। तो इनका ही फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत फनी वे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। फनी वे आई मीन टू से कि चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, सिर्फ कंसेप्ट कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा कि कैसी चीज़ें हुई, क्योंकि ये एक पास्ट इवेंट है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, हिस्ट्री मतलब पास्ट इवेंट पढ़ रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे आप एक वक्त में टाइम ट्रेवल करके चीज़ों को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो पास्ट इवेंट है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फर्स्ट वॉर, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमें पढ़ना है। तो होप सो की चीज़ें क्लियर हो रही। आज अगर हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो डैम श्योर आपका जो भी हिस्ट्री से जो नफरत है या फिर जो भी आप इसे बोरिंग समझते हो, होप सो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन चैप्टर के साथ, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से शुरू होगा, इस जगह से। तो चलिए, अब कुछ आप बीती पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमेशा आप बीती को लेके समझो, तो जाहिर सी बात है हम इसे इंडिया की आप बीती, सही समझा आपने। भारत पहले से ही बहुत ज़्यादा हम इसे सोने की चिड़िया समझते हैं, क्लियर था भी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, रॉ मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें अबंडेंट थी, क्लियर, बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी जितने भी ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स आए थे उनसे पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ को समझो, ब्रिटिशर्स ने फिर फाइनली क्या किया, अपने ट्रेडिंग पर्पस को, उस पर्पस को डेविएट करते हुए, उसको चेंज करते हुए, उसका मोटिव बदलते हुए, उसने पूरे भारतीय जो इंडियन टेरिटरी थी उनको अपने रीजन में ले लिया, उसको अलग अलग तरीके से वो कॉन्कर करने लगे, ठीक है। जो यहाँ के पहले के जो राजा थे, जो एंसेंट जो किंग हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको ही उन लोगों ने फिर कॉन्कर करना शुरू कर दिया और फिर पूरा का पूरा भारत की इकोनॉमिक कंडीशन वन हैंड में चली गई। हम कंपनी हैंड बोलेंगे उसे, सही समझा आपने, मैं कंपनी हैंड की बात कर रहा हूँ। कंपनी हैंड मतलब मैं ब्रिटिश कंपनी की, क्योंकि पहले तो ये उनका पर्पस अलग था, वो कभी शासन करने तो आए नहीं थे भारत में, वो आए थे बस उन्हें ट्रेडिंग करना था, लेकिन ट्रेडिंग और भारत की वीकनेस को उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने अपना पर्पस बदल दिया। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं कि चीज़ें बदली कैसे। जैसे ये सारी चीज़ें जब हो गई, पूरे भारत में ब्रिटिश 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 हो गया, सब चीज़ें एक ही पावर के एंड में आ गई, अब टेरिटरी नहीं रहा,
पूरा एक टेरिटरी बन गया, पूरा भारत एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। पहले तो अलग अलग राजा होते थे, असम में कोई और है, बंगाल में कोई और है, पुणे में कोई और है, महाराष्ट्र रीजन में कोई और है, पंजाब में कोई और है, ठीक है, अलग अलग किंग के अंडर में होते थे छोटे छोटे टेरिटरी, बहुत सारे टेरिटरी थे, तो लोगों के पास थोड़ा सा टेरिटोरियल फ्रीडम था। लेकिन अब जब सब एक ही पावर के, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कंपोज होगा वो सभी इक्वली मतलब इम्पोज होगा पूरे पैन इंडिया में, है ना। तो ये चीज एक बड़ा डिफिकल्ट था इस चीज को समझिए। तो लोगों ने बहुत अलग अलग लेवल पे रेवोल्यूशन किया, है ना, इस चीज को, रेवोल्यूशन हुए, बहुत ज्यादा मार्चिंग हुए, फिर देन अलग अलग वॉर हुए, ठीक है। तो उन वॉर में, अभी मैं आपको बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, मैं भारत की आपबीती पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब एक ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये कहता है आपसे कि क्या भारत में 1857 से पहले कोई भी वॉर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लीज समझ के लिखो, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो किसी भी वॉर को लेकर नहीं है, वो एक स्पेसिफिक वॉर को लेकर है, उस स्पेसिफिक वॉर का नाम है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है, अभी आपको बहुत चीजें क्लियर समझ में आएंगी, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे वॉर हुए, छोटे बड़े, अलग अलग कम्युनिटी ने किया, अलग अलग पर्पस को लेकर किया, लेकिन इंडिपेंडेंस वॉर लेके किसी को नहीं हुआ कि हमें ब्रिटिशर से आजादी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये वॉर। लेकिन ये वॉर जो था, इस वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, लेकिन इससे सेकेंड भी हुए, थर्ड भी हुए, बहुत ज्यादा हुए, लेकिन फर्स्ट वॉर, आप इस चीज को समझिए, इससे पहले भी लोगों ने वॉर किए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन छोटी छोटी अपने अपने कॉम्युनल टॉपिक को लेके किया, अपने जो उनका जो सेल्फ जो प्रॉब्लम था उनका, एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो था उसको लेके, इंडिपेंडेंस के लिए कोई वॉर नहीं हुआ। तो फर्स्ट वॉर जो हुआ, इस वजह से आपका ये चैप्टर 1857 से शुरू होता है। एक्चुअल में आपको, चलिए मैं आपको वन बाय वन करके भी क्लियर करता हूं। तो इस चैप्टर में हमें दो पर्सपेक्टिव लेकर चलना है, और आपका वैसा ही है। इस चैप्टर में सिर्फ दो चीजों को डिस्कस किया गया, एक तो ये वॉर के कॉज क्या थे, क्यों हुआ ये वॉर भाई, है ना, तो फर्स्ट एंड द सेकेंड वॉर। जब वॉर हो चुका था तो कुछ जाहिर सी बात है, हर एक चीज के होने का एक रिजल्ट होता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने हैं, रिजल्ट, है ना, उसके रिजल्ट देखने। तो ये पार्ट जो है आपका सिर्फ 20% है इस चैप्टर का, एंड दिस वन इज 80%, क्लियर। तो हमें 80% में बहुत ज्यादा, चूंकि हमने आपको, चूंकि इस चैप्टर में मैंने कॉज को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, पॉलिटिकल कॉज क्या थे, सोशो इकोनॉमिक कॉज क्या था, इकोनॉमिकल क्या थे, तो मिलिट्री कॉजेस क्या थे, तो इन सब चीज़ों को हमने आपको वन बाय वन करके डिलीवर करने के लिए सोचा है, और ऐसी ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लोगों को 1857 में ऐसा क्या हो गया था कि वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश, यार तुम जाओ, इधर क्या कर रहे हो, मतलब लोग क्यों परेशान हो गए थे। ये परेशानी थोड़ी थोड़ी करके हम समझते हैं तो हमारा कॉज वाला प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट, हम भारत की और भी, मतलब 1857 से पहले की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 1606 की, जी हाँ, मतलब 1606, मतलब मैं तब की बात कर रहा हूं, 1606 कब, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, EIC आई थी, जब भारत में या इसी कंपनी आई थी, दैट टाइम ये सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पस था भारत में, कि ठीक है। और ये मैं ऐसा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो गुजरात होते हुए आई थी, तो मैं आपको गुजरात रीजन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये रीजन टोटल, इस रीजन में पहले ब्रिटिशर्स आए थे, चलिए अच्छी बात है यहाँ तक, लेकिन गुजरात में वो आके रहे नहीं ना, गुजरात के बाद धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग का हेल्प लेके पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया, है ना। अब यहाँ पर मतलब पूरी ट्रेडिंग, मतलब पूरी भारतीय इकोनॉमिक जो कंडीशन था उस पर वो अपने को मतलब जाहिर सी बात है सेल्फ डिपेंडेंसी पे अपने को ले आए। कहने का मतलब ये है, समझिए, उन्हें क्या मिलता था, यहाँ तो रॉ मटेरियल के पूरा एकदम बहुत ज़्यादा अबंडेंस था, है ना, चीज़ें वो यहाँ से लेकर जाते थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड में ऑलरेडी बहुत हाई टेक्नोलॉजी था, मॉडर्नाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड की बात करें तो इंग्लैंड सबसे ज़्यादा टॉप पे था, तो वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या करती थी, इंडियन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स को गुड्स में कन्वर्ट करती थी, और वो गुड्स इंग्लैंड से दूसरे देश मतलब भी जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे, और खुद भारत इंडियन मार्केट्स में भी आके सेल होते थे।
तो ये जो सेलिंग जो था ये बहुत बड़ा, आज भी देख लीजिए ट्रेडिंग कितना बड़ा मार्केट है ना, तो खुद देख लीजिए। तो इसे ही अपना वो टूल समझते हुए पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया। कॉन्कर मतलब अपने पे डिपेंड करवा लिया। इकोनॉमिकली भारत डिपेंडेंट हो गया था ब्रिटिश कंपनी पे, कंपनी रूल पे। इसी तरह कंपनी जो है ट्रेडिंग पर्पस छोड़कर उसका मोटिव बदल गया, कोई भी है बदल गया। और फाइनली फिर धीरे धीरे वो क्या किए, उसे एक रूल में बदल दिए। कंपनी पहले रूल आया, फिर कंपनी रूल के बाद फिर ब्रिटिश रूल आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर भारत में अलग अलग टाइम के साथ वायस राय आने लगे, गवर्नर जनरल आने लगे, जो भारत में गवर्न करते थे, रेगुलेशन पास करते थे, जैसे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। बहुत सारे बंडल हैं यार, समझो उस चीज को। तो ये जो धीरे धीरे चीजें बदली हुई हैं, तो लोगों ने तो बदलने तो दिया, कब तक बदलने दिया समझ के लेना, बहुत इंटरेस्टिंग। 1606 के बाद 150 ईयर्स तक तो बदलने दिया। लोगों को पता ही नहीं था कि अरे ये चल क्या रहा है। 150 ईयर्स तक चीजें बहुत बदली। तो टाइम क्या हो गया बेटा, 1756। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इतना तो बहुत बदला। फिर इसके बाद थोड़े थोड़े लोग अपनी तकलीफ बताने लगे। कब तक बताए, 100, नेक्स्ट 100 ईयर। यहाँ पे लोगों को तकलीफ होने लगी, प्रॉब्लम होने लगा, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम लगा, प्रॉब्लम किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। टाइम क्या हो गया, 1756। बस यहां तक जो प्रॉब्लम था वो अपने सेल्फ प्रॉब्लम के लिए फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम कलेक्टिव था। मतलब 17 ये सॉरी 8 से 1856 वाला जो प्रॉब्लम था वो कलेक्टिव था। मतलब 1856 तक चीजें इतनी ज्यादा स्पार्क्ड हो चुकी थी, इतनी ज्यादा टॉर्चर्ड हो चुकी थी। मतलब हर एक रीजन भारत का, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, है ना, हर तरीके से टॉर्चर हो चुका था। तो सबको ये लग रहा था कि नहीं यार, नो मोर ब्रिटिश, नो मोर ब्रिटिश। मतलब लोगों के मोटिव्स, लोगों के जो एक्सपेक्टेशन थे वो अब कॉमन होने लगे थे, लोगों के जो वांट्स थे वो अब कॉमन होने लगे थे। तभी से 1857 एक वॉर बन गया जो कि कॉमन वॉर कहलाया, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, आप लोगों को अपनी अपनी चीजों से आजादी नहीं चाहिए था कि नहीं ब्रिटिशर्स प्लीज मुझे मेरा टैक्स माफ कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। एक काम करो, मुझ पे जो लैंड टैक्स लगते हैं, जो रेवेन्यू सिस्टम है उसे कर दो, जो मिलिट्री वाला जो था, मिलिट्री को जो उसके प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे इंडियन सिपाहियों को उनके। तुम अब लोग अपनी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस, एक कम्युनिटी नहीं लड़ रही थी, अब वो ये कर रहे थे कि कंपनी रूल के अगेंस्ट, मतलब रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, वॉर करना शुरू कर दिया। तो यही वो टाइम है जब पूरे भारत में ब्रिटिश आ गया था। अब आपको समझता हूं, क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने कहा कि 1606 में 150, अभी इस चीज को समझो, अगर इतना टाइम लग गया तो, है ना, तो हमने देखा कि करीब 1756 तक ठीक था, लोगों ने इस चीज की, इसकी पॉलिसी को समझ ही नहीं पाए, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को, है ना, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को समझ ही नहीं पाए। लास्ट 100 ईयर्स में ऐसा क्यों नहीं किया इन लोगों ने, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली आप इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत मज़े से समझ में आएगा। मतलब 1856 तक, क्या मैंने कहा, 1856 तक लोग क्या कर रहे थे मैं आपको समझाता हूँ। लोग ये कर रहे थे, चीज़ें बदली टाइम के साथ साथ, लोग अलग अलग, लेकिन क्या हो रहा था भारत में, अलग अलग, भारत में पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन है ना। भारत मतलब अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो लोगों को अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने कम्युनिटी में कोई भी इंटरप्शंस नहीं चाहिए था। ये बहुत मतलब ओल्ड विजनरी लोग थे, तो लोगों को ये था कि नहीं। और इंग्लैंड जो था थोड़ा मॉडर्नाइजर है ऑफकोर्स, तो हम उसकी अगर होमलैंड की बात करें तो भी समझ में आएगा। 1856 था, मतलब ये जो जो फर्स्ट 100 ईयर्स है, तो पीजेंस जो लेकर आए, मतलब टाइम के साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डिमांड हुआ, तो पीजेंस आए। पीजेंस लेके लैंड रिवेन्यू टैक्सेस के लिए इन लोगों ने कहा, फ्रीडम के लिए नहीं बोला, इन लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बोला, उनको उससे कोई तकलीफ ही नहीं थी। थी तकलीफ तो चुप रहते थे, लेकिन उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा था, इन पे टैक्स इम्पोज किया गया, रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, तो इन सब चीजों को लेके पीजेंस आए ग्राउंड पे, है ना। ग्राउंड पे आए कि चलो भाई अभी निकलो, ठीक है। अभी देखिए इसी के साथ आर्टिशियस भी आए। सिमिलरली इनको, इनके साथ तकलीफ थी इंडियन सिपाहियों को, मतलब जो मिलिट्री होते थे इंडियन सिपाहियों, उन्हें भी होता था।
लेकिन समझो प्रॉब्लम क्या होने लगा। इन सब की डिमांड जो होती थी, इस चीज को बहुत इंटरेस्टिंग समझा जा सकता है। इन सब की जो डिमांड होती थी, ये जितने भी हैं, मतलब उस टाइम जो डिमांड होता था, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे होता था, अलग अलग जगह पे होता था। मतलब फर्स्ट 100 ईयर्स की बात में बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 1856 तक का क्या चला। मतलब ये कुछ अलग, मान लीजिए कि ये दिसंबर में हो रहा है, इधर ये जैन में हो रहा है, क्लियर, इधर ये मार्च में हो रहा है, सिमिलरली ये सेप्टेम्बर कहीं पे हो रहा होगा, और ये इस तरह चीज़ें अलग अलग हो रही थी। और दूसरी चीज़, सबसे दुख की बात यह है कि पर्पस भी अलग होता था। कोई लैंड रेवेन्यू टैक्सेस के लिए लड़ रहा है, क्लियर, कोई लैंड के लिए, है ना, कोई मिलिट्री अपने आर्मीज के लिए लड़ रहे। तो मतलब इनके इनकी जो शिकायतें थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर, वो कॉमन नहीं थी बिल्कुल। इन सब का प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इन सब के जो प्रॉब्लम थे वो अपने आप में अलग अलग थे। तो ब्रिटिश को अलग अलग टाइम में ये जो रिवोल्ट हुए, अलग अलग टाइम से ये जो ये लोगों ने रिवोल्यूशन किया, जो डिमांड किया, ब्रिटिशर्स को इसको सप्रेस करना बहुत ईजी हो गया। They felt it is quite easy to suppress down. Why? Because no, there is no unity in between the community, in between the territorial region. So इन लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छा फायदा उठाया, मैं तो यही बोलूँगा, अच्छा फायदा उठाया, क्योंकि they were smart, they were knowing that how to deal with सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, उन्हें ये बात पता थी। तो चलिए, लेकिन ये जो अलग अलग टाइम पे होता था, ये जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो डिमांड को लेके लोग जो रोड पे आते थे, वो चीज़ें मतलब पॉइंट फोकस नहीं था। तो ब्रिटिशर्स किसको जानते थे कि जब इन लोगों का पॉइंट फोकस है ही नहीं है कि करना क्या है, या ये लोग अपने कॉमन इनिमी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जितने भी वॉर और रिवोल्ट्स होंगे वो फेल होंगे एग्जैक्टली। लेकिन ये बात बहुत दिनों तक नहीं चला। 1856 तक तो चलो, फर्स्ट 100 ईयर्स तक तो चला, बहुत इंटरेस्टिंग है। 150 ईयर्स तक तो ये पूरे इंडिया को कॉन्कर कर गए। उसके बाद 100 ईयर्स में इन्हें टाइम लग गया ये समझने की कि ब्रिटिश हम पे कुछ रूल्स, कुछ नए नए लॉज एंड ऑर्डर्स लेके आ रही है। लेकिन नेक्स्ट में समझो, अब जो है यहाँ पे जब 1857 में आ गया, तब इन लोगों को ये समझ में आ रहे, ये तो गड़बड़ हो रहा है यार, ये तो सब ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस लेके आ रहे हैं। मतलब ये डायरेक्ट चेंजेस को नहीं कॉल कर रहे हैं, ये थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं। और बेटा, थोड़े थोड़े चेंजेस से बड़ा चेंजेस होता है ना। ब्रिटिशर्स ने भी यही किया। अब हम समझेंगे कि 1857 आ गया, 1857 में सभी लोगों ने कलेक्टिवली एक वॉर किया, उस वॉर को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस वॉर। तो ये लोग ये समझ रहे थे कि अभी जो हम लोग का जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो किस वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। एक काम करो, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, हम क्यों ना ब्रिटिशर्स को यहाँ से एलिमिनेट कर दें। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत टाइम के बाद समझ में आया, लेकिन फाइनली आ गया। कब आया? 1857 में। चूंकि ये वॉर एक स्पेसिफिक था, सबका एक सेंट्रिक पॉइंट था कि हमें क्यों चाहिए वॉर, अब इंडिपेंडेंस वॉर, इस वजह से अब हम चैप्टर के कोर में आते हैं। चैप्टर का कोर ये कहता है कि वॉर किस वजह से होना शुरू हुआ, मतलब क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या जो इसके पास्ट इवेंट में क्या क्या वो लोग किस किस चीज़ों से परेशान हो चुके थे। फाइनली दे स्टार्टेड के नहीं, चलो ठीक है, अब वॉर करना चाहिए, और वो वॉर एक कॉमन डिमांड पे होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे कॉजेज हैं, उनमें से कुछ कॉजेज आपके स्क्रीन पे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इमीडिएट, ये अपने आप में छोटे छोटे पॉइंट तो हैं, लेकिन सब डिवाइडेड पॉइंट है। तो आज हम पॉलिटिकल पॉइंट को क्लियर करेंगे। पॉलिटिकल, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट हियर, पॉलिटिकल, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कॉज फॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हेल्ड इन 1857। सो लेट्स बिगिन विथ पॉलिटिकल। अगर पॉइंट को अगर हम देखें तो पॉलिटिकल अपने आप में भी सब डिवाइडेड था। मतलब पॉलिटिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, दिस वन पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, सिमिलर। अब पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अपने आप में छोटा नहीं है, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में आउटराइट वॉर्स हैं, समझ के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब्सिडरी अलाइंसेस हैं, क्लियर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हैं, और साथ ही साथ एलिग्ड मिसरूल हैं। तो इन पहले फोर पॉइंट को हमें पॉलिटिकल पॉइंट से हमें पढ़ना पड़ेगा। जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। देन आफ्टर वी विल डील विथ ये जो है आपका जो डिसरेस्पेक्ट था बहादुर शाह का, डिसरेस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह, क्लियर, सिमिलरली ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहेब,
एंड सिमिलरली सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो सबसे पहले आज हम एक पॉलिटिकल रीजन को पढ़ेंगे, चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना तो मजा आने वाला है और चीजें समझ में भी आएंगी। बंडल ऑफ चीजें हमें इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब इतना ज्यादा गैदर नहीं करना है कि वो चीजें आपस में मिक्स हो जाए और एक अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो चलिए पॉलिटिकल पॉइंट में सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल ऑफ एक्सपेंशन, है ना, सॉरी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अब आप समझिए क्या होने लगा इस चीज़ में। आप अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी जो है एक्सपेंशन का, जो जितना रहा आउटराइट वर्ड्स वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों को हम लोग सभी से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, इसमें सबसे पहले हम आउटराइट वर्ड्स, आपको मैं बता दूं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में ब्रिटिशर्स ने दो तरीके से एक्सपेंड किया। अगर हम पुरानी हिस्ट्री को देखें तो हमें क्या, अगर मैं इंडिया की ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे हम देखें तो ब्रिटिशर्स दो तरीके से इंडिया में एक्सपेंड हुए। एक तो आपसी समझौते से, है ना, अलायंस करके कि भाई ठीक है तुम एक काम करो, जो भी यहाँ के हिंदू राजा हैं मुस्लिम राजा हैं, है ना, जो मुगल्स होते थे वो बोलते थे तुम एक काम करो सरेंडर कर दो, तुम मेरे साथ अलायंस कर दो, मैं तुम्हें कुछ प्रिविलेजेस दे दूंगा लेकिन तुम्हारी टेरिटरी मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल में आएगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी ब्रिटिश का हो जाएगा। तो कुछ राजा डायरेक्टली सरेंडर कर दिए, डायरेक्टली अलायंस कर लिया, है ना, हाँ उसके बदले उन्हें ज़रूर कुछ मिल जाता था, एडवांटेज जरूर मिल जाता था उनको और उनके परिवार को, मतलब नोबल्स फैमिली को मिल जाता था, एक बात। दूसरी चीज, जो लोग एकदम कट्टर होते थे, नहीं कि यार ऐसे कैसे दे देंगे, हाँ हम यहाँ पे इतने दिनों से रह रहे हैं, हमारी फैमिली है, हमारा एक अपना हिस्ट्री है, तो उन चीज़ों के लिए उन्हें वॉर करना होता था। ऐसे बहुत सारे वॉर के एग्जाम्पल हैं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, है ना, बैटल ऑफ, अब मतलब अलग अलग वॉर हुए, 1757 में भी जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। तो लेकिन इन चीज़ों को हम लोगों ने फोर तरीके आउटराइट ऑफ वॉर्स में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस आउटराइट बाई आउटराइट वॉर्स हाउ दे एक्चुअली एक्सपैंड। अब हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि इनके एक्सपेंशन में लोगों को क्या तकलीफ हुई, कि ये मतलब एक इंडिपेंड एक वॉर का शेप ले लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आउटराइट ऑफ वॉर्स। चलिए अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है ये गुजरात से शुरू किया अपना एक्सपेंशन, है ना, गुजरात से शुरू किए, उसके बाद स्लोली करते करते भारत की अलग रीजन तक में एक्सपेंड कर गए। मैंने आपको बताया दो तरीके से, है ना, ये इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ाते गए भारत में, और ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे वॉर्स किए। इसी तरह अगर आप नोटिस करेंगे तो बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, क्लियर। इसी तरह इन्होंने इस एक्सपेंशन को बहुत सारे बैटल से ही कॉन्कर किए, जैसे ये एक्सपेंड क्यों कर पाए, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, सिमिलरली एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, सिमिलरली नेक्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो गए महाराष्ट्र रीजन में, एंड देन एंग्लो सिख वॉर हो गए पंजाब में। ये सभी वॉर एक रीजन है। तो लोगों को ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स के क्या नुकसान हो रहे हैं, भाई हम इंडियन लैंड पे किसी और से लड़ रहे हैं तो इसमें इंडियन मारे जा रहे हैं, इंडियन सिपाहियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपको पता है इंडिया की टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत स्मार्ट गेम चला। कैसे चला मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने, हिस्ट्री बहुत क्लियर है मतलब इस मैटर में, मैं आपको बता देता हूँ क्यों क्लियर है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा स्मार्ट थे, इन्होंने इंडिया के ही दूसरी टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए ब्रिटिशर्स आर्मी सिर्फ 10% यूज़ की, वो भी हाई कमांड लेवल पे, लो लेवल पे सिपाही लेवल पे, सिपाहीज लेवल पे इन्होंने खुद इंडियन आर्मी ही यूज़ किया इंडियन आर्मी ही यूज़ किया, मतलब ओवरऑल नुकसान अगर आप देखेंगे तो भारत का ही था, क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ तो ये समझ में आए, तो लोग इससे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि ये देवर फाइनली दे केम टू नो नाउ ब्रिटिश इज कंटिन्यूअसली एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर बाय कॉन्करिंग सिंध, देन आसाम, अराकान एंड तेनासरीन एंड पेगू एंड सो मैनी म्यांमार रीजन एज वेल। दे केम टू नो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू टेक स्टैंड अगेंस्ट दिस एक्सपेंशंस। तो ये यहाँ पे चीज़ें होती है। तो ये एक रीजन है आउटराइट ऑफ वॉर्स जो कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में आता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद हम सब्सिडरी अलायंसेस की बात करते हैं, मतलब मैंने आपको कहा था ना या तो वॉर से ले लो या तो मुझसे दोस्ती कर लो। सब्सिडरी अलायंसेस में अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिखे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली एक्चुअल में अलायंस वाला जो समझौते वाली बात है जिसे हम लोग ट्रीटी बोलते हैं,
ये वाली जो पॉलिसी इनका ही लाया हुआ है, हालांकि ये भी वॉइस राय है, ब्रिटिश वॉइस राय है ये, लेकिन इनका ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये कह रहे थे कि क्यों नहीं, मतलब इट वॉज, यू कैन से इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन, बट विच इंडियन, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, मतलब वो सभी जो यहाँ पे किंग्स हुआ करते थे, जो किंग्स वगैरह होते थे उनके बीच में। वो ये कह रहे थे जो प्रिंसली स्टेट आपको दिख रहा है ब्लू कलर का और ब्रिटिश इंडिया, तो ये आपस में डील कर लेते थे इस अलायंसेस में। लेकिन इस अलायंसेस के बाद बहुत बड़ा नुकसान होता था किसका, प्रिंसली स्टेट का, क्योंकि अलायंस यू कैन से एक टाइप का सरेंडर है कि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ब्रिटिश मुझसे जीत ही जाएंगे, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है, वो इकोनॉमिकली बहुत हेल्दी हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं, तो उनके पास लेटेस्ट वीपन्स हैं, उनके पास वर्ल्ड के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों से जो प्रिंसली स्टेट था, जो हिंदू और मुस्लिम टेरिटरी थी उन जो उनके अंडर में था, उन लोगों ने इनके साथ एक, तो लॉर्ड वेलेस्ली एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट गेम, तो वो ये चाह रहे थे कि एक काम करो, हम इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक खर्च बचाते हैं, लोगों की जान जाती है खामखा वॉर में, एक काम करते हैं आपसी समझौता कर लेते हैं। लेकिन इस समझौते में कंप्लीट नुकसान होता था किसका, प्रिंसली स्टेट का। मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। इस स्टेट के अकॉर्डिंग, इस सब्सिडरी अलायंसेस के अकॉर्डिंग, समझ के लीजिए, इस सब्सिडरी अलायंसेस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश प्रिंसले को यह मानना होता था कि मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है वही सुप्रीम है, मतलब ब्रिटिश पावर इज द सुप्रीम पावर, अब मतलब अब आपके पावर नहीं है, अब आप सरेंडर हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट जो उन्हें ध्यान रखना होता था कि जो भी अब आप जो है किसी दूसरे से वॉर नहीं करोगे, खुद ब्रिटिश के अगेंस्ट आप वॉर नहीं करोगे, कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हम चाहे अच्छा करें, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं अब वॉर में नहीं आने चाहिए, मतलब ये फाइनल डील है। ये सारी चीज़ें होती थी। इवन इतना ही नहीं, इवन ऐसा होता था कि जो आप ब्रिटिश क्या करेगा, एक ही दिन एक ही नाइट में तो सभी से ये अलायंस नहीं होते थे, तो इसे होने में टाइम लगता था, तो ये एक जगह से क्या करते थे कि वहाँ की कुछ आर्मी को लेकर दूसरी जगह जाते थे वॉर में, तो ये बोलते थे कि हमारे ब्रिटिश आर्मी हो गए या फिर इंडियन सिपाहीज हो गए, इसका खर्च तुम ही उठाओगे। किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट की, प्रिंसली स्टेट उसका पूरा एक्सपेंसेस लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी मतलब सब्सिडरी अलायंसेस में आता था। तो मतलब मैंने आपको कहा ना, या तो समझौता कर लूँ या तो ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर अनाउंस करूँ, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें थी तो इसकी वजह से लोग अलायंस कर लेते थे, जो प्रिंसली स्टेट जो प्रिंस होते थे वो इसे अलायंस में ले लेते थे। लेकिन अलायंस में फ़ायदा होता था थोड़ा नोबल्स परिवार का, लेकिन बहुत बड़ा टेरिटोरियल नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। कम टू द पॉइंट, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है अपने हिस्ट्री में, ये बहुत फेमस है। इवन फ्रांस में जब नेपोलियन बोनापार्टे आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को एबोलिश कर दिया था। उससे पहले वहाँ पर रोबेस्पायर आए थे जो कि जैकोबिन क्लब बनाया था, उन्होंने भी वहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। लेकिन भारत में उस टाइम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब समझ लो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब अगर कोई बहादुर शाह जफर है उसका बेटा है तो वो बनेगा, वो थ्रोन्ड होगा, वो क्राउंड होगा, दैट सिंपल। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी आए, बोले नहीं 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 ये सब बंद करो। जो दूसरे जो गवर्नर जनरल आए किसके बाद, वेलेस्ली के बाद, उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ एन इंडियन रूल डाइड, अगर जो इंडियन रूलर है अभी जो एग्जिस्टिंग है अगर वो मर जाता है, चाहे विदाउट अ मेल देर हिज किंगडम वुड लैप्स। अगर इनका मतलब है कि एक जो किंग है, आप इस चीज को समझ के लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग जो किंग है उसका अगर कोई सन है, समझ को लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे थे कि अगर इसका कोई बेटा, अगर कोई सन है तो ही ये चीजें, ये टेरिटरी उस सन के अंडर में आएगा एज अ अंडर प्रिंसली स्टेट या प्रिंसली रूल, और उसे प्रिविलेजेस मिलेंगे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई सन नहीं है, डॉटर है या फिर कोई अडॉप्टेड सन है, तो उन्हें ये चीजें नहीं मिलने वाली। ये डलहौजी ने, इसे हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब राजा के बेटा अब राजा नहीं बनेगा या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा।
मतलब अगर वो किंग खत्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो टेरिटरी है वो ऑटोमेटिकली कंपनीज टेरिटरी में आ जाएगा। मतलब यू कैन से इट इज अ ऑटोमेटिक सिचुएशन, जैसे होता है ना एटीएम में हमने कुछ इनपुट्स दिए और एटीएम ऑटोमेटिकली उतना विड्रॉ करके देता है, बिल्कुल ऐसा इन्होंने एक रूल ही बना के दे दिया, अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो ऐसा करो। लेकिन इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, झांसी में जब उसके राजा मर गए 1853 में, ठीक है, द रूलर ऑफ झांसी व्हेन ही इज डाइड, देन क्या हुआ, तो जो विडोड रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, तो उनको पेंशन मिल रहा था। लेकिन समझ के लो, ये जो सन आपको पीछे दिख रहा है ही इज नॉट हर रियल सन, है ना, वो ब्लडी सन नहीं है, कि मतलब जिन्होंने उन्हें नेचुरल बर्थ नहीं, एक्चुअल में ही वॉज अडोप्टेड वन, ठीक है, वो अडोप्ट, क्या नाम था इनका, शायद आपको याद होगा, इनका नाम था आनंद राव। तो अकॉर्डिंग टू रूल, ब्रिटिश प्रिंसली रूल के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आनंद राव को मतलब झांसी का किंग बनना था, क्योंकि अब झांसी के जो किंग थे वो तो थे नहीं, तो लेकिन चूंकि ही वॉज अ अडोप्टेड वन दैट्स वाई ये रूल जो अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो उन पे उनके अकॉर्डिंग इस रूल के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ के लिए मतलब नहीं थे, एप्लीकेबल नहीं थे, ही वॉज यू नो कम्प्लीटली यू नो आउट ऑफ फ्रॉम दिस रेंज टू बिकम अ किंग ऑफ द झांसी, क्लियर। लेकिन अभी समझो ये चीज़ें थी, ये बहुत मतलब जो अनलॉफुल था, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत हार्ड कर रहा था, लेकिन बात इतनी नहीं रुकी, झांसी के अलावा कुछ और भी रीज़न था, जैसे आपको मैं बता दूं सतारा हो गया, महाराष्ट्र का रीज़न सतारा ले लीजिए, उसके बाद कुछ आप वहाँ चले जाइए संबलपुर, है ना, उसके बाद जयपुर चले जाइए, ये जो आपको जयपुर दिख रहा है ये आपको संबलपुर दिख रहा है, सिमिलरली नागपुर दिख रहा है, मतलब भारत के कुछ रीज़न में यही जैसी कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ जैसी रूल्स से कुछ प्रिंसली स्टेट परेशान थे, उन्हें सिर्फ प्रिविलेजेस मिलता था, उसके अलावा उन्हें नहीं मिलता था, मतलब कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा था, तो ये लोग इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि ऐसा क्यों, है ना। फाइनली दे स्टार्टेड, फाइनली ऑल द इवन तंजौर वगैरह सब इनके मतलब इस बने, बहुत इजी है ना, मैंने बार बार बोला ऑटोमेटिक, एक रूल बना दिया, राजा गया, ऑटोमेटिकली वो टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गई, खतरनाक है ना, बहुत सही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गई। तो ये सारी चीजें कुछ लोगों को, कुछ प्रिंसले जो प्रिंस होते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, उन्हें ये चीजें सूट नहीं कर रही थी। फाइनली दे स्टार्टेड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। चलो ये सारी चीजें आपको सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट दैट वी हैव डन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब समझो। उसके बाद आता है हमारे पास अलेक्डमिस रूल, ये आपको समझाता हूं। इसमें क्या है आप समझ को, अगर मैं अवध की बात करूं, अवध जो कि उत्तर प्रदेश का रीजन है, आप समझ के लीजिए, अवध आज तो अवध आज की डेट में क्या है, ये आगरा है, क्लियर, आगरा वगैरह का जो रीजन है वो आज की डेट में हम उसे आगरा बोलते हैं, वरना वो अवध ही था जब ब्रिटिश रूल हुआ करती थी 1856 में। डॉलोजीज आए, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो तुम्हारा किंग है, जो भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट है, ये यहाँ पे मतलब कैपेबल नहीं है, वो दे आर इनकैपेबल टू रन देयर एंटायर अवध रीजन। अच्छा आप बोलेंगे सर तो अवध को ही क्यों लिया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अवध एक छोटा सा जगह है उत्तर प्रदेश का, आई मीन टू से कि पूरा स्टेट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप ब्रिटिश टाइम देखेंगे तो ये सब छोटे छोटी टेरिटरी थे बेटा, तो अवध भी उसमें से अपना एक टेरिटरी था, अवध भी अपने आप में ये एक टेरिटरी था, आप इस चीज़ को समझिए। तो ब्रिटिश बोलती है कि यार यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो प्रिंसली स्टेट है, वो इसे मतलब इनकैपेबल है रन करने के लिए, तो यहाँ पर ब्रिटिश रूल मस्ट बी नीडेड टू इंश्योर ऑल द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट कैपेबल टू रन देयर इंटायर गवर्नेंस इन द अवध रीजन। मतलब यूँ कह लो कि एक पहले इल्ज़ाम लगा दिया और खुद पर अपनी गवर्नेंस उस पर डाल दिया, ये कह के, मतलब जो तीसरा रूल हो सकता है क्या, पहले तो वो कैसे कर रहे थे, वॉर करके ले रहे थे, उसके बाद क्या क्या उन्होंने अलायंस करना शुरू कर दिया, ये तो बिल्कुल अलग ही है। इन्होंने पहले बता दिया यहाँ के लोगों को, अरे ब्रिटिश यहाँ के तुम्हारे जो हैं रीजन में है, ये एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं है, एक काम करो ब्रिटिशर्स को लेके आओ। देखो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के जब नवाब हटा दिए, सॉरी अवध के जब यहाँ पर से नवाब हटा दिए गए, है ना, व्हेन दे वर डिपोज्ड, तो पीपल ऑफ अवध दे स्टार्टिंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट ऑफ दैट,
1857 में। अब लॉर्ड रजीज क्या करेंगे, वो अवध के लिए बोलते हैं द गुड ऑफ द गवर्नमेंट इट मस्ट बी देयर मस्ट बी ब्रिटिश। तो ये जो लोग जब यहाँ पे रिवोल्ट करने लगे तो इनके अगेंस्ट उसने एक मतलब ब्रिटिशर्स ऑफकोर्स एक्शन लेंगे। तो लोग क्या करने लगे अभी समझो, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे लोगों की जो स्थिति थी, लोगों का जो कंडीशन था, दैट वॉज नॉट गुड। कब, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन बदला, कब बदला, मतलब जब नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। तो ब्रिटिश एडमिशन में तो पहले से हालत बहुत बुरी थी, लेकिन जब लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए, लॉर्ड डलहौजीज के अगेंस्ट आ गए, तो लॉर्ड डलहौजीज ने क्या बोला, अगर तुमने अगर ऐसे ही रिवोल्यूशन, अगर अपनी ऐसी वॉइस, अगर अपनी मांगे ऐसे कंटिन्यू रखोगे, तो मैं तुम लोगों पर एक लैंड टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, टैक्सेस ऑन फूड, टैक्सेस ऑन हाउसेस, है ना, और जो फेरी वाले जो थे, इन सब पे उसने टैक्स इम्पोज कर दिया। लोग उससे परेशान होने लगे कि भाई पहले से हम परेशान हैं, और परेशान कर दो, मतलब तुम ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, मतलब डरा के रखा जा सकता था और रखा जाया जाता था, एक चीज। दूसरी चीज, बहुत जो अवध में जब नवाब का एडमिनिस्ट्रेशन था तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स, है ना, हायर ऑफिशियल्स वगैरह को जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में थे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स ऑफिशियल्स और जो सोल्जर्स होते थे, उन्हें जॉब से बाहर कर दिया गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा। समझ के लो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे तालुकदार और जमींदार वगैरह बनाना शुरू कर दिए, है ना, जो कि आप जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें अगेंस्ट द ब्रिटिश, सारी चीज़ें ब्रिटिश के फेवर में नहीं थी, ये सभी कहीं ना कहीं नवाब के फेवर में थी और लोग पहले जैसा चाह रहे थे, कुछ समझो। क्या होने लगा, एक तीसरा रिजल्ट इस चीज़ का ये हुआ कि अवध का, वहाँ पे जो जो इंडियन सिपाहीज होते थे वो कौन से, मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा याद कीजिए। अवध में जो हुआ ये वॉर 1856 में हुआ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 150 ईयर्स तक ब्रिटिश एक्सपैंड कर रही थी, तो लास्ट मोमेंट में जब अवध पे आई तो क्वेश्चन ये है कि अवध पे क्या यूज़ किया उसने, तो जाहिर सी बात है जब अवध पे आए तो वहाँ पे इंडियन सिपाहीज तो थे लेकिन काम करते थे ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, मतलब भारत के ही दूसरे रीजन को कॉन्कर करने के लिए ये इंडियन सिपाहीज यूज करते थे। अप्रॉक्स 75,000 जो इंडिया जो कंपनी सिपाहीज होते थे जो अवध से होते थे, उनका हाल बहुत बुरा हो चुका था, मतलब ये ब्रिटिशर्स के सामने अपने आप को सरेंडर करते थे, क्योंकि वो फॉरेन रूल से समझ नहीं पा रहे थे, एक तो लैंग्वेज का मिसकम्युनिकेशन था, दूसरी चीज इन्हें इनका फाइनेंशियल पोजीशन इतना अच्छा नहीं था, है ना, दे वर वीक, क्लियर, इवन दे हैड, इवन ऐसा होता था कि जो इनकी सैलरी होती थी वो इन्हें टैक्स में, उसका उसका भी उन्हें वो टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। ये होने लगा, मतलब लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट जो है बेटा स्पार्क है, स्पार्क, एक बार स्पार्क हो गया तो कभी ना कभी तो बूम बस्ट होगा ही, बस यही है वो जो बस्ट डे है, दैट इज 1857। इस वजह से उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, सॉरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ना कि वर्ल्ड वॉर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब हम इस चीज़ को वन बाय वन करके पढ़े, पहले हमने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को अच्छे से पढ़ा, उसमें जितने भी सब पॉइंट्स थे लाइक सब्सिडी अलाइंसेस, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एलेक्डमिस रूल, ये सारे, और आउटराइट ऑफ वॉर, वो फोर पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, क्या है इसमें, सही, अगर आप नाना साहब को इस चीज़ को समझो, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आप समझिए बहादुर शाह जफर मुगल रूलर थे, एक्चुअल में इनके बाद जब अलायंस के बाद इन्हें क्या मिलने लगा, प्रिविलेजेस मिलने लगे, ये कंपनी प्रोटेक्शन में रहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ रहते थे, कंपनी प्रोटेक्शन में रहते थे, उसके बाद और इनका जो पूरा पैलेस था, जो इनको रहने का था, पूरा जो महल था वो रेड फोर्ट हुआ करता था, क्लियर, वो रेड फोर्ट हुआ करता था। तो बहादुर शाह के टाइम में जो कॉइन्स होते थे उसमें खुद बहादुर शाह के ही कुछ प्रिंट्स होते थे, मतलब ये लोग तो कभी भी मुगल्स के कोई भी किंग अपने पिक्स वगैरह, मतलब अपनी कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं करवाते, अपनी कुछ प्रिंट्स नहीं करवाते थे, मतलब अपना कोई इमेजेस वगैरह नहीं डलवाते थे, तो इनके में क्या होता था, स्क्रिप्टिंग होता था, वर्ड स्क्रिप्टिंग होता था, उर्दू समटाइम्स पर्शियन एज वेल,
ठीक है। तो जैसे ही बहादुर शाह जफर, जैसे ही इन लोगों ने अलायंस कर लिया, तो वहां की क्वाइंस में इन चीजों को चेंजेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अब वहां पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे एलिजाबेथ का है, तो इन लोगों ने क्या किया, उन क्वाइंस को सबसे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डन किया कि मतलब वन नेशन वन क्वाइन होना चाहिए, मतलब वन करेंसी होनी चाहिए। एक तो ये चीजें चेंजेस कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट लगता है ना, हमने जो चेंज किया उसे वो उसने हटा दिया। सो चलो ठीक है, ये समटाइम्स टॉलरेबल था, चलो ठीक है, नई गवर्नमेंट आई है तो नई अकॉर्डिंग करनी है। लेकिन बुरी बात कब होने लगी, जबरदस्त है, जो बहादुर शाह जफर का जो रहने की जगह थी दैट वॉज रेड फोर्ट। लेकिन उसके बाद जब टाइम के साथ 1849 में ये हाल तब हो गया जब इन्हें कहा गया कि नहीं तुम जाकर कुतुब मीनार में रहो, है ना, दे हैव टू शिफ्ट देयर एकोमोडेशन इन द कुतुब नियर नियर द कुतुब मीनार, नॉट कुतुब मीनार, ठीक है, नियर द कुतुब मीनार। लॉर्ड कैनिंग साहब, उन्होंने जब बहादुर शाह मतलब चले गए, मर गए, मतलब बहादुर शाह जब चले गए तो उनके सेक्शन तो लॉर्ड कैनिंग आए, उन्होंने बोला कि अब सो ही सेड दैट द बहादुर शाह सक्सेसर्स वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपीरियल टाइटल्स, मतलब उनको जो इंपीरियल टाइटल्स है वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक मेयर प्रिंसेस के नाम से जाने जाएंगे। हाँ चलो कभी था ऐसा, मतलब पूरी बेइज्जती हो रही थी, डिसरेस्पेक्ट हो रहा था। इसी चीज को ना बर्दाश्त करते हुए बहादुर शाह की जो वाइफ थी, क्या नाम था उनका, जीनत महल, जीनत महल, ये सारी चीज़ों को देखकर तो इनको लग रहा था कि सिर्फ जीनत महल मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली से, एक पर्टिकुलर फैमिली मतलब पर्टिकुलर नोबेल परिवार की इज्जत नहीं उतारी जा रही, एक्चुअल में इससे रिलेटेड जो पूरी टेरिटरी है, पूरा एक मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भी इन्फेक्ट हो रहा है। तो फाइनली सी स्टार्टेड टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट दीज चेंजेस, दीज ग्रेजुअल चेंजेस, तो ये भी एक स्पार्क पॉइंट है। तो चलो, डिसरेस्पेक्ट इज वन ऑफ द पॉइंट अबाउट अगेंस्ट द टू बी द कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉज पढ़ेंगे। हाँ, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब, आपको आपके स्क्रीन पे नाना साहब दिख रहे हैं, बिल्योर नाना साहब एक्चुअल में एडॉप्टर सन थे बाजीराव, जो पेशवा परिवार से थे, है ना, और लास्ट पेशवा थे बाजीराव, बाजीराव टू नॉट बाजीराव वन, है ना, लास्ट पेशवा थे। इन्होंने नाना साहब को अडॉप्ट किया था, नाना साहब को इन्होंने अडॉप्ट किया था, समझ के लो। अडॉप्ट करने के बाद क्या होने लगा समझ लो, तो समझो एज पर ब्रिटिश अलायंस रूल, तो इन्हें तो भाई वो मिलना चाहिए ना, प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, मतलब जो पेंशन वगैरह जो मिलना होता है, नाना साहब को मिलना था बाजीराव के बाद, लेकिन इन्हें यह नहीं मिला। ब्रिटिश ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं तुम्हें कुछ भी पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अडॉप्टेड सन हो, ठीक है। अब क्या हो गया, चीजों को समझ के लो, नाना साहब को जो कि महाराष्ट्र के एक पुणे में इनकी पूरी परिवार रहती थी, मतलब इनका जो होमलैंड था, जो होम सिटी था, वो पुणे था, इनको यहाँ से फोर्स करके भेज दिया गया उत्तर प्रदेश के, अब जरा सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, इतना दूर कर दिया गया ताकि वो ग्रुप में कमेटी नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश के एक कानपुर जगह, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में भेज दिया गया उन्हें, इतनी दूर समझ के लो, ताकि अपने आपस में यूनिटी बना के एक हम ब्रिटिशर्स के अगेन एक क्राउड ना क्रिएट कर पाए, तो इन्हें बहुत दूर भेज दिया गया। आज की डेट में हम उसे उत्तर प्रदेश से कानपुर समझते हैं, एक्सक्यूज मी, वो पुणे से हम उसे कानपुर समझते हैं आज के डेट में, लेकिन पहले तो प्रिंसली स्टेट वगैरह होता था, पहले इसका नाम, अभी आपको मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ें, अवध पहले था, अब वहाँ पे आगरा है, तो ऐसी चीज़ें होती थी। तो इन्हें एक तो इन्हें इतनी दूर भेज दिया गया, लेकिन समझ के लो, उसके बाद इनके पास मतलब नाना साहब के पास कुछ जो उनके पास इनहेरिटेबल वेल्थ होते हैं जो कि अपने पूर्वज से मिलते हैं, जाहिर सी बात है बाजीराव ही वॉज पेशवा, तो पेशवा फैमिली, ही वॉज हैविंग बैकग्राउंड ऑफ पेशवा फैमिली, तो उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा धन वगैरह मिला, तो उन्होंने बोला कि दिस शुड बी यूटिलाइज फॉर द इमिशंस ऑफ द न्यू इंडिया टू टेक द स्टैंड अगेंस्ट द रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें जितने भी रिवोल्ट करने हैं उसमें, ऐसा करने के लिए वो लखनऊ गए, फिर दिल्ली गए, है ना, दिल्ली तो पार्शियली कंट्रोल सेंटर होता था पूरे ब्रिटिशर्स का, क्यों, क्योंकि ये कोल्ड रीजन है और वो लोग कोल्ड में ही ज़्यादा मतलब सेफ समझते हैं, तो ऊपरी हिस्से में देखो ज़्यादा ब्रिटिशर्स का क्राउड होता था, तो ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा था, भारत के नदर्न पार्ट में ज़्यादा होता था,
तो दिल्ली गए, लखनऊ गए, फिर वहाँ से उन्होंने पूरे ही मतलब कि उन्होंने कंप्लीट मतलब ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द अवेयरनेस एंड विच एवर थिंग्स ही फेल के चलो अब पूरे भारत में जो चीज़ें हमें स्प्रेड करनी है वो पूरे भारत में उन्होंने अपने मतलब अपने वेल्थ का यूज़ करते हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने भारत में एक कॉमन अवेयरनेस मैसेज स्प्रेड किया पूरे भारत में कि देखो हम लोग अपने अपने इश्यूज़ को लेके बाद में आएंगे, पहले भारत का एक जो कॉमन इश्यूज़ है उससे लड़ो। कॉमन इश्यूज़ मतलब ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। तो ये एक ये भी स्पार्क पॉइंट था। ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था। फाइनली ही स्टार्टेड टू टेक स्टैंड, ही स्टार्टेड टू जस्ट टू लुकिंग इन टू द मैटर हाउ टू फाइंड द वे टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स आउटसाइड द इंडिया फ्रॉम वेयर दे केम फ्रॉम। क्लियर? सो दीज थिंग्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दैट इज सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब इसमें क्या होता था? एब्सेंटी। अब देखो इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या हुआ? हमें पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, लेकिन उससे पहले कौन थे? उस अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स आने से पहले हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे किंग हुआ करते थे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हिंदू और मुस्लिम किंग जो थे ये उनका अपना होमलैंड हो गया था, क्योंकि इनके पास्ट वाले भी पूर्वज भी यहीं पे रहते थे। इन्होंने जितना भी चीज़ें अर्न किया भारत में, जितनी भी चीज़ें अपनी टेरिटरी से लिया वो भारत में ही खर्च कर दिया। मतलब भारत में ही अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए। आज भी भारत टूरिस्ट प्लेस में इतना ज़्यादा अगर कॉमन है, अगर टूरिस्ट आते हैं तो मोस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस है वो मुगल्स का ही दिया हुआ है, मुगल्स रीजन पे ही आते हैं वो। अब देखिए तो इन लोगों ने खुद भारत में ही अपना मतलब ये भारत से बाहर लेकर नहीं गए। जो भी चीज़ें था, जो भी चीज़ें उन्होंने क्रिएट किया, जो भी चीज़ें उन्होंने बिल्ट अप किया, एवरीथिंग दैट इज डन, इवन उन्होंने अपना कब्र तक यहाँ पे बना लिया। चलो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई, लेकिन ये बात ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी। ब्रिटिशर्स बाहर से आए, अपना रूल किए और यहाँ से सारे वेल्थ को उन्होंने क्या किया, यहाँ से सारे वेल्थ को उन्होंने इंग्लैंड कैरी किए। मतलब यहाँ से भारत का जो एक वैल्यू था, चाहे वो मैं वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इन ऑल द एस्पेक्ट्स जो कि बेनिफिट देता है, वो सारी चीज़ों को वो ड्रेन करके लेकर गए। क्लियर? तो ये भी लोगों को दिख रहा था कि अब इससे अच्छा तो मुगल्स थे, इससे अच्छा तो मतलब हिंदू किंग थे और मुस्लिम किंग थे, कहीं लेकर तो नहीं जा रहे थे ना, भारतीय लैंड में ही तो था वो सारी चीज़ें। लेकिन ब्रिटिशर्स की तो कुछ अलग ही पॉलिसीज हैं, लोग यहाँ से होने लगे परेशान। तो ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट फर्स्ट पॉइंट दैट इज द फर्स्ट कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये एक पॉइंट हमने आपको आज ब्रीफ किया है इसके पार्ट वन में। तो ये पार्ट वन है आपका पॉलिटिकल कॉज, जिसमें हमने सारे पॉलिटिकल वॉइस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, दैट इज सोशल रिलीजियस कॉज। क्लियर? तो आप जरूर इस वीडियो के बाद आप सेकेंड भी देखें जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल हमारा हो चुका है, सो नेक्स्ट विल बी सोशल रिलीजियस कॉज। चलिए, थैंक यू।